हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज 11-11 पोर्टल है। 11-11 एक मैनिफेस्टेशन नंबर होता है। जब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो हमको नंबर 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि आपकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली होती है उस वक्त। तो आपको एक नई नंबर दिखती है, और जब आपकी लाइफ कुछ चेंजेस आने वाले होते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज आने, कोई बड़ा चेंज आने वाला होता है, जैसे यूनियन हो या सेपरेशन हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हो, तो आपको 11-11 नंबर आपको डेफिनेटली दिखेगा, या आपके पर्सन का नाम साथ में बहुत दिखेगा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे कार्मिक हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, और आपके बारे में, दोनों के बारे में रीड कर रही हूँ कि आपके पर्सन दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपकी सिचुएशन जैसे है, आप रेजोनेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके एडिक्शन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनकी ईगो भी हो सकती है। तो आपका जो रेजोनेट करे आप वही पार्ट लीजिए। तो मैं अभी यहाँ पे रीड कर रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के कार्ड्स खोल रही हूँ, और ये साइड में मैं आप लोगों के कार्ड्स खोल रही हूँ कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो पहले थर्ड पार्टी की रीडिंग कर ले। थर्ड पार्टी एस ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है। एस ऑफ सोर्स एक ऑफकोर्स एक एस है, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, लेकिन ये एस ऑफ सोर्स का ट्रूथ और इंटीग्रिटी के साथ में बिगनिंग बोलते हैं इसको। तो थर्ड पार्टी के साथ में सपोज आपके पर्सन की जो भी है, फिर वो जो बिगनिंग होगी ट्रूथ और इंटीग्रिटी की बिगनिंग होगी। मतलब वो उनके साथ में कुछ भी छुपाना नहीं चाहेंगे, उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं करना, मतलब बोलना चाहेंगे उनको मतलब उनके से फ्रॉड जो कर रहे थे, सपोज आपके पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो वो भी सच उनको बता देंगे बेसिकली। अगर सपोज वो उनके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, तो वो भी उनको बता देंगे, क्योंकि अभी वो इंटीग्रिटी के साथ में आपके पर्सन चलना चाहते हैं, झूठ के साथ में नहीं चलना चाहते। और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे कॉम्पेंसेशन, मतलब थर्ड पार्टी को उनको छोड़ना नहीं चाहती है बेसिकली, ये तो फॉर श्योर दिख रहा है। थर्ड पार्टी शायद उनको नहीं छोड़ना चाहती है, या आपके पर्सन उनको छोड़ कोई एक रीज़न हो सकता है उनके। मुझे लगता है आपके पर्सन एक एज अ कॉम्पेंसेशन उनको एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो कुछ ना कुछ उनको ऑफर करना चाहेंगे मुझे ऐसे लग रहा है, ताकि वो उनको एक सूदिंग इफेक्ट हो जाए, उनको एक ऐसे लग रहा है कि हाँ कि ये मुझे इस वजह से छोड़ दे, मतलब उनको ऐसे बुरा नहीं लगे कि ये छोड़ भी रहे तो मुझे उनको दुख नहीं होना चाहिए। तो ये एक जजमेंट आपके पर्सन मुझे थर्ड पार्टी की तरफ देते हुए दिख रहे हैं। उनको कुछ ऑफर, मनी ऑफर या कुछ मटेरियलिस्टिक ऑफर करते दिखाई दे रहे हैं। सपोज़ आपके केस में थर्ड पार्टी उनके स्पाउस है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अगर सपोज़ फीमेल है तो वो उनके उनसे कुछ एली मनी ना ले, और सपोज़ वो मेल है आपके पर्सन, उनके मतलब आपके केस में उनके स्पाउस मेल है, तो वो हो सकता है कि उनको साथ में कुछ एलिमनी नहीं ले, लेकिन अगर फीमेल है तो हो सकता है कि उनको कुछ घर या प्रॉपर्टी कुछ ऑफर करे उनको, ताकि वो उनको डिवोर्स दे सके या उनको छोड़ सके थर्ड पार्टी उनको। या सपोज उनके पेरेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स को वो मनी वाइज अपनी जो है वो इनकम बहुत ज़्यादा देके, या उनको एक वादा देके कि मैं हमेशा अपनी इनकम आपसे ही शेयर करूँगा, ये सब चीज़ ऐसा कुछ मुझे मटेरियलिस्टिक कुछ फ़ायदा अपने पेरेंट्स को, अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स है तो। अगर सपोज़ कोई स्पाउस है या कोई थर्ड पार्टी कोई दूसरी सिचुएशन, सपोज़ उनका पार्टनर है, लवर है, तो उनको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन आपके पर्सन मुझे से बोलते हैं ना कॉन्स्टेलेशन प्राइस, वैसा कुछ उनको देते हुए दिखते हैं, ताकि वो उनको छोड़े भी तो उनको दुख नहीं हो, और उनको ऐसे नहीं लगे कि हाँ चलो ठीक है एक हैप्पी नोट पे एंड हुआ, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये उन ऐसे बोलूँगी वो अपने सिंगल होने की कीमत चुका रहे हैं, या अपने फ्रीडम की एक कीमत चुका रहे हैं आपके पर्सन, वो अपने फ्रीडम चाहते हैं बेसिकली थर्ड पार्टी से भी एट प्रेजेंट, क्योंकि उनको वो रिलेशनशिप में अभी नहीं रहना आपके पर्सन को, तो वो एक सिंगल होने के लिए। देखो इसमें लिखा है, इसमें एक इंसान सिंगल, थर्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए हमेशा एक सिंगल का कार्ड होता है, इसमें एक इंसान पेंटिकल दे रहा है, ऑफर कर रहा है, ऐसा कुछ है बर्ड को कि मुझे फ्री बर्ड होना है, ये पेंटिकल तुम ले लो, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। या अगर जो लोग मैरिड है उनकी सिचुएशन ज़्यादा ऐसा हो सकता है, जो अनमैरिड है उनमें भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उनको गिफ्ट्स वगैरह देके, या अगर आपको लग रहा है कि उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं ये कर रहे हैं, तो आप बहुत एजिटेटेड हो जाओ, तो एजिटेटेड मत होइए, क्योंकि ये आपके पर्सन का एक गेम प्लान है कि उनको इस तरह गिफ्ट वगैरह देके सपोज वो तोड़ते हैं बाद में, तो ताकि उनको इतना बुरा नहीं लगे। क्योंकि जब हम किसी को अपने किसी गिफ्ट से या किसी चीज़ से दबा देते हैं ना, मतलब वो एक दबाना होता है, एक डोमिनेशन हो जाता है, तो वो क्या उस प्रेशर के अंदर आ जाता है, तो वो क्या बोल नहीं पाता, सामने वाले का मुंह बंद करना ऐसे भी एक बोलते हैं, क्योंकि सामने वाले का मुंह बंद करना, तो पहले उससे बात अच्छे से बात करो, उनको जने के झाड़ पे चढ़ा दो, उनकी इतनी तारीफ करो, फिर उनको बोलो।
तो वो क्या बुरा नहीं मानेंगे इतना, वो आपको जवाब वापस नहीं देंगे। तो ये ही एक तरीका आपके पर्सन है जो सपोज रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या रिश्ता तोड़ रहे, तो उनसे थर्ड पार्टी से तो पहले उनको बोलते हैं ना कि उनको दे दिला के सब चीज़ शांत कर देना, ताकि ताकि वो इस रिलेशनशिप को अगर ब्रेक की भी करे तो प्रॉब्लम नहीं करे। क्योंकि जैसे बार बार सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ ही रहा है, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कभी भी कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ देने का कार्ड होता है या कुछ वर्क देने का कार्ड होता है, लेकिन कुछ देने का कार्ड डेफिनेटली है। तो फैमिली वाइज को भी हो सकता है कुछ फैमिली को हैप्पी करने के लिए, आपकी कैसे फैमिली है थर्ड पार्टी, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए उनके पेरेंट्स को, वो देंगे कि तो उनके पेरेंट्स उनसे बहुत खुश हो और जो बात वो बोले तो मान जाए। अगर सपोज उनके आपके बोल अगर उनका कोई पार्टनर है या स्पाउस है या उनके लवर है, तो वो उनको कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिफ्ट्स के थ्रू या मनी के थ्रू या कुछ ना मटेरियलिस्टिक चीज़ के थ्रू डेफिनेटली उनका मुँह बंद करने की, मैं ऐसे बोलूँगी मुँह बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके लिए भी देखें तो आपके लिए भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो आपके पर्सन ना बेसिकली अभी रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं आपको लेके, और उनको पता है कि आपने हमेशा उनका वेट किया है लव के लिए, लव आपने हमेशा अपना कप लेके हमेशा उनके लिए खड़े रहे, अपना लव लेके हमेशा उनके लिए खड़े रहे, तो ये चीज़ वो डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो डेफिनेटली आपको एक वो भी ग्लविंग एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर देखिए आप खुद देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप्स एक लव में न्यू बिगनिंग होती है, कभी भी एक न्यू बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं लव फैक्टर पे, मतलब कम्प्लीटली अनकंडीशनल लव में। उनको पता है कि आपने हमेशा उनका चेस किया है, बहुत सालों तक आपने चेस किया है, लेकिन आप कभी उनके सुने नहीं, मतलब अब वो आपको चेस करेंगे बेसिकली, ऐसे देख रही है। क्योंकि वो बहुत सालों तक आपने उनको चेस किया, वो चेजिंग भी उनमें आपको पता है कि उनका लव कितना छुपा था आपका, तो उनको अच्छा लगता था जब आप उनको चेस करते थे या उनको बहुत मनाने की कोशिश करते थे या उनके हमेशा उनके नखरे उठाते थे, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती थी आपकी, क्योंकि उनको एक हाई मिलता था उससे। तो वो चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली याद कर रहे हैं और उनको पता है कि आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, शायद कोई दूसरा पर्सन होता था अब तक कब का भाग चुका होता जिस तरह से उन्होंने आपके में ट्रीट किया, लेकिन आपने इस लव को बरकरार लगा रहा, समझ इस डिज़ायर को बरकरार रखा इस रिलेशनशिप में, एक पैशन को ना बरकरार रखा इस रिलेशनशिप के बीच में, वो आपकी एफर्ट्स की वजह से। तो वही एफर्ट्स वापस देना चाहते हैं आपको, आपके पेशेंस का फ्रूट ऐसे बोलते हैं ना, आपके पेशेंस का फ्रूट आपको देना चाहते हैं, लव में नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। और वो हो सकता है आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, कुछ लोगों के ड्रीम्स में उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा उनको दिखाई दे रहे होंगे, और ये कम्युनिकेशन मुझे कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे बार बार ऐसे लग रहा है। अगर सपोज़ आपके पर्सन डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो ड्रीम्स के थ्रू डेफिनेटली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये ऐसा आपको इल्यूजन हो रहा होगा या दिख रहा होगा, या बहुत ज़्यादा लोगों को सपने आ रहे होंगे आपको, कभी कभी ऐसे लग रहा होगा ये भ्रम है कि रियल है, ऐसे भी कभी कभी आप लोगों को ऐसे ना डीजर्व ऐसे टाइप का मूवमेंट ऐसे आपको लगता है, तो वैसे भी आप लोगों के साथ में एक हो सकता है आप लोगों के साथ में। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में बेसिकली सोच रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन दोनों के बारे में, थर्ड पार्टी और आपके दोनों के बारे में ये एनर्जी ओरेकल में अभी करंट एनर्जी उन क्या चल रही होगी। देखो एंजल ऑफ लव, बेसिकली आपके पर्सन अभी एंजल ऑफ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजल ऑफ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना, दोनों के बीच में लव बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ था पास्ट में, तो ये चीज़ भी पर्सन आपके पर्सन को मालूम है कि हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के साथ में उनका बहुत लव रहा है। अगर सपोज आपके पर्सन कार में आपके पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स के साथ में भी उनका एक परफेक्ट लव था, ऐसे है अभी भी है, लेकिन तो उनको पता है कि ये इस तरह से ऑल ऑफ अ इस मैच को तोड़ना, मतलब इस रिलेशनशिप को तोड़ना, तो उनके हार्ट को बहुत ज़्यादा पेन करेगा, मतलब थर्ड पार्टी को, इसलिए वो उनके लिए कॉम्पेंसेशन की मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्योंकि उनको ये सब चीज़ भी ध्यान में रखना है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में था उनका रिलेशनशिप। ऐसा नहीं बोल सकते, कंप्लीटली डिनाई कर सकते कि रिलेशनशिप नहीं था, रिलेशनशिप था, एक लविंग रिलेशनशिप था उनका थर्ड पार्टी के साथ में, इसलिए वो उस रिलेशनशिप में थे। तो उनको भी उन पर्सन का हार्ट ब्रेक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनको बहुत सोचना पड़ेगा, इसलिए वो लविंगली करेंगे, जो कुछ भी करेंगे कॉम्पेंसेट करके लविंगली ये चीज़ वो करना चाहेंगे, और ताकि वो एक बैलेंस दोनों के बीच में रहे, मतलब बहुत बुरी तरह से झगड़ा नहीं हो थर्ड पार्टी और उनके बीच में, क्योंकि वो थर्ड पार्टी और अपने बीच में
एक ना बैड फेज पे एंड नहीं करना चाहते, एक सोचते कि हैप्पी नोट पे एंड हो तो उनके आत्मा पे भी एक बोझ नहीं रहे, मुझे ऐसे लगता है। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को थोड़ा एनजाइटी आ रही होगी आपको लेके, थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ी एनजाइटी आ रही है, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ फियर कुछ लोगों को आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे एक स्ट्रॉन्ग वार्मिंग एक टावर सिचुएशन डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। डोर टू स्पिरिट, जब कोई भी डोर ओपन होने वाला होता है, वो डोर आपने देखा बहुत सालों से आपके पर्सन का डोर बंद है आपके लिए, जब वो डोर में से जंग लगना जाती है तो वो जब डोर ओपन हो जाता है ऐसा टहते देखते हैं कैसे कट 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 ऐसे बहुत होता है, कभी लगता है कि डोर टूट नहीं जाए गिर नहीं जाए, तो वैसे एक कभी कभी क्या कुछ अच्छा होने के लिए पहले कुछ एक स्ट्रॉन्ग जैसे सिचुएशन, या आप ऐसे स्ट्रॉन्ग जैसे सिचुएशन होगी नहीं लेकिन आप लोगों को लगेगी डेफिनेटली, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन क्या होती है, आपकी एनजाइटी को वॉश करने के लिए भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ में जो नेगेटिव फैक्टर्स है उसको भी वॉश करने के लिए हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को जब तक एनजाइटी नहीं आएगा, फियर नहीं आएगा आपको लेके, तब तक वो कैसे भाग के आएंगे, तो उनको एक एनजाइटी या फियर या उनको एक टावर सिचुएशन ऐसे डाली जाएगी कि अगर मैं अब भी नहीं गया इस पर्सन के पास, मेरे आपके पास नहीं आया तो ये डोर हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाए, तो वो सोच के वो क्या भाग भाग के मुझे उनके ऊपर एक टावर सिचुएशन आपके पर्सन के ऊपर मुझे ऐसे आपको लेके कुछ आती हुई दिख रही है, उनको ऐसे डर लगेगा, ऑल ऑफ अ सडन फियर आ सकता है कि पर्सन चला नहीं जाए, ये पर्सन मेरी लाइफ से हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाए, तो ये सब चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है। मैं ना देखो आपके मेरे कितने जब मैं रीड करती हूँ मुझे बार बार ये जब कंफर्मेशन मिलता है स्पिरिट से तो मुझे बहुत अच्छा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देके वो आपके पर्सन कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। देखो थर्ड पार्टी अपने दिल पे हाथ रख रहे हैं, उनको थोड़ा बुरा लगेगा ऑफकोर्स जब रिलेशनशिप तोड़ेंगे, तो हो सकता है कुछ मैसेज के थ्रू या गिफ्ट देके उनको ये लिख दे कि गिफ्ट भी भेज दे साथ में और लिख दे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, ऐसे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या उनके गिफ्ट दिए हुए वापस रिटर्न करके उनको एक लेटर लिख के भेज दे, तो ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन ऐसे करेंगे। आपके पर्सन अभी बहुत मैच्योर हो रहे हैं, अभी आपको मैच्योरिटी उनको आपको लेके बहुत ज़्यादा आ रही है, और एक वो एक ना अबंडेंट मैन हो रहे हैं, वेल्दी मैन मतलब खाली फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं होते, फाइनेंशियली भी अबंडेंट हो रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैन या वुमेन कोई भी हो सकता है, लेकिन अबंडेंट पर्सन कौन होता है, जो बहुत ना लविंग एनर्जी में होता है, कैरिंग एनर्जी में होता है, एक पीसफुल एनर्जी में होता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लव होता है उनको अबंडेंट बोलते हैं, वेल्दी पर्सन या वेल्दी मैन या वेल्दी फीमेल, तो हो सकता है वो थोड़ी उनकी बैड हेल्थ हो अभी आपके पर्सन की, क्योंकि उनको एनजाइटी आ रही है, आपको दिखा रही हूँ उनको एनजाइटी आ रही है, उनको फियर आ रहा है आपको लेके, तो वो उनको एक थोड़ा बैड हेल्थ दे सकता है, या उनको थोड़ी एनजाइटी की वजह से उनको थोड़ा बुखार हो या फीवर हो, ऐसा कुछ उनको हो सकता है आपके पर्सन को, क्योंकि उनको थोड़ा आपको लेके थोड़ा डर आएगा, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ज़बरदस्ती ये डर उनकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है बेसिकली, अगर डियर डर नहीं क्रिएट करेंगे तो वो आएंगे कैसे ना बेसिकली। देखो दो ही कार्ड ले रही हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, आपके पर्सन देखो इसमें से फ्री बर्ड हो रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से वो अपना घरौंदा वो चेंज कर रहे हैं, आपके पर्सन कंप्लीटली फ्री हो रहे हैं थर्ड पार्टी से, बार बार फ्री की एनर्जी आ रही है, वो थ्री हो रहे हैं, उनको चाहे फ्री होने के लिए पैसे देने पड़ रहे हो या कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा हो या कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो फ्री बर्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग का खेल है, सारा डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो डिवाइन टाइमिंग पे सब चीज होगा, अगर भी अपनी लाइफ में नहीं हो रहा है तो होने वाला है, क्योंकि ये टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, देखो बहुत सारी वॉचेज है, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई घड़ी होती है कि ये घड़ी पे ये होगा, ये घड़ी पे ये होगा, तो वैसे वैसे आपके चल रहा है। अगर आपके सपोज आपको लग रहा है कि अभी भी आप दोनों भूल भुलैया में आपके पर्सन, और आप तो आपको लग रहा है कि यार मैं वेट कर रहा हूँ ये कब आएगा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, ये आपको भले ही नहीं दिखाई दे रहा लेकिन ये बुशेस के अंदर है आपके पर्सन, आपको ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक फियर, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनको एक फियर आपको लेके आएगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ से चलना नहीं जाए हमेशा के लिए, या इनकी कोई शादी नहीं हो जाए या कहीं और नहीं हो जाए, तो ये एक फियर उनको क्रिएट किया जाएगा, वो भाग भाग के इस भूल भुलैया में से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक डेस्टिनी का कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन ये डेस्टिनी मूव हो रही है आपकी तरफ, दिख रहा है आपको, इसने यहाँ पे भी डेस्टिनी का कार्ड है, यहाँ पे भी डेस्टिनी का कार्ड है, वहाँ पे एक डेस्टिनी क्लोजर लेके जा रही है, ये डेस्टिनी यहाँ पे लेके आ रही है, प्लस 16 नंबर का टावर का कार्ड भी होता है, 16 नंबर नॉर्मल टैरो में, तो ये आपके पर्सन में कुछ टावर सिचुएशन हो सकती है कि उनको डर लगे, एक फियर आए आपको लेके, और वो ये फाग भाग के आपकी तरफ आए, मैं ऐसे बोलूँगी। रोमांस एंजल से भी मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी कि आपके पर्सन ना क्या बोलना चाह रहे हैं आपके बारे में, उनके बारे में।
देखो मैं आपके पर्सन को, योर पर्सन को पता है यू डिज़र्व लव, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना ट्रू लव, यू आर लवेबल, वो अपने लिए लव ढूंढना चाहते हैं, और तो वो यू डिज़र्व लव का कार्ड आ रहा है उनके लिए, वो सेपरेशन की तरफ मुड़ रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के फैक्टर में, अगर सपोज आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो कुछ चिल्ड्रन को लेके कुछ फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। अगर सपोज उनके घर में पेरेंट्स ही कुछ है तो सिबलिंग्स को लेके कुछ फैक्टर्स है जो अगर आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता, वो सिबलिंग्स भी दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि उनका लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, क्योंकि जो ये फैक्टर है चिल्ड्रन का, चाहे वो सिबलिंग्स हो या उनके चिल्ड्रन हो या कोई भी हो, तो वो ये उनसे सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पर्सन, मतलब उनसे डेफिनेटली सेपरेशन में जा रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अगर वो थर्ड पार्टी उनके सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं तो उनसे सेपरेशन में हो सकता है उनका एक ना मेंटल सेपरेशन हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना इंसान ज़्यादा बातचीत नहीं करना, और एक लैड कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं इनकी लाइफ को। अगर सपोज़ वो थर्ड पार्टी में कोई और है, मतलब पर्सन है, तो वो जो कंट्रोल कर रहे हैं उनके लाइफ में चाइल्डिश बिहेव करके या कुछ भी करके, चिल्ड्रन का कार्ड है, तो कुछ सपोज थर्ड पार्टी जो चिल्ड्रन चाइल्डिश बिहेव कर रही है, तो वो भी लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो वो अपनी लाइफ से वो कंट्रोल इश्यू को हटा रहे हैं, सेपरेशन में आ रहे हैं डेफिनेटली थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से सेपरेशन आपके पर्सन का डेफिनेटली होगा। और मैं आपको बोल रही हूँ आपके पर्सन आपके लिए फाइनेंस एंड कैरियर, वो हो सकता है कि आप दोनों के फाइनेंस और कैरियर के लिए थोड़ा चिंतित हो, तो उस पर भी वर्कआउट करने का सोच रहे हैं, साथ में कुछ काम करने का सोच रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है आप दोनों का। वो आपके साथ में एक रोमांस डेफिनेटली करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो खत्म नहीं हो सकता, एक पैशन जो डिज़ायर आपके लिए फील करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बॉन्ड है वो कितनी भी दूर चले जाए आपसे वो ख़त्म नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है, तो वो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गली, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओ फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।